अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेमिंग एक्सपर्ट से रमीज़ एक बार फिर गेमिंग लैपटॉप के एक नए मॉडल को अनबॉक्स करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो व्यूअर्स, आज जो लैपटॉप हम आपके लिए अनबॉक्स कर रहे हैं वो है MSI स्वॉर्ड। ये लैपटॉप है और इसको हम अभी आपके लिए अनबॉक्स करेंगे और दिखाएंगे ये लैपटॉप दिखने में कैसा है। और इससे पहले भी आपको बताता चलूं कि हमने MSI स्वॉर्ड को आपके लिए अनबॉक्स किया है, लेकिन वो वाला जो MSI स्वॉर्ड था वो i7-11 जनरेशन का था और उसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड था वो 3050 Ti का था। लेकिन ये वाला जो मॉडल है, दिस मॉडल इज़ पावर्ड बाय इंटेल कोर i7-12 जनरेशन का। इसके अंदर प्रोसेसर है और जो इसमें ग्राफिक कार्ड है वो हैवियर है पुराने वाले स्वॉर्ड से। तो इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड मौजूद है वो है NVIDIA GeForce 3060 6GB का इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो आइए हम इसको करते हैं अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं इसका डिज़ाइन, इसका कलर, बात करेंगे इसके फीचर्स की, इसकी स्पेसिफिकेशंस की और देखते हैं कि इस डब्बे के अंदर हमें और क्या क्या निकलता है इस लैपटॉप के साथ। तो हम करते हैं जी आपके लिए इस डब्बे को अनबॉक्स। और ये आ गया MSI स्वॉर्ड का लैपटॉप हमारे हाथ में। वाइट कलर का लैपटॉप है, मिल्की वाइट कलर है, वाइट कलर का कीबोर्ड है और बैकलिट जो है इसका ब्लू कलर का होता है। फिर भी हम इसको ऑन करके आपके लिए दिखाएंगे कि इसका बैकलिट किस कलर का है। तो जी ये लैपटॉप आ गया हमारे हाथ में, प्योर वाइट कलर का लैपटॉप है। इसको हम रखेंगे साइड पे और जी इसके अंदर आते हैं ये कुछ मैनुअल्स, तो वो जब आप लो तो पढ़ लेना। वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल में डिटेल डिस्क्रिप्शंस और डिटेल चीज़ें होती हैं लैपटॉप के बारे में, तो मैनुअल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है हमारे व्यूअर्स को। इसके अलावा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सअप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी फ्री है। इसके अलावा मेरा वेब पेज भी स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। और हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें और क्या मिलता है इस लैपटॉप के साथ, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जी हम करते हैं इसको अनरैप जी। तो इसके अंदर हमें मिलता है ये एक पावर कॉर्ड जो देगा हमारे इस चार्जर को पावर। इसको हम रखते हैं साइड पे और हमें मिलता है ये बड़ा हैवी सा चार्जर। तो चार्जर जो है 240 वॉट्स का चार्जर हमें इस लैपटॉप के साथ मिलता है और एक पावर कॉर्ड और कुछ मैनुअल्स। तो इसको अभी हम रख देते हैं साइड पे और बात करते हैं लैपटॉप की फ़ीचर्स की, इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो जी इस डब्बे को अभी हमने कर दिया बंद और हम इसको रखेंगे साइड पे। जी जी व्यूअर्स, तो ये लैपटॉप मैं करने जा रहा हूँ आपके लिए ओपन और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का कीबोर्ड, वाइट कलर का कीबोर्ड, वाइट कलर का लैपटॉप, ब्लू कलर की बैकलिट। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ब्लू कलर के बैकलिट कीबोर्ड इसके अंदर मौजूद है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल वाइट कलर का हर तरफ से, नहीं नीचे से ब्लैक है और बाकी हर तरफ से जो है वाइट कलर का कीबोर्ड है। बेजल्स जो है वो इसके ब्लैक कलर के हैं, बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। यहाँ पर इसकी सारी लाइट्स मौजूद हैं और जो है स्पीकर्स भी हैं साइड पे। और मैं आपको बता दूँ इसकी स्पेसिफिकेशंस पहले कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। जी व्यूअर्स, तब हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। दिस मॉडल इज़ पावर्ड बाय इंटेल कोर i7-12 जनरेशन का लैपटॉप है। इसके अंदर जो हार्ड ड्राइव है वो 1 TB SSD की SSD लगी हुई है जो कि अपग्रेडेबल है, आप इसको 2 TB SSD तक अपग्रेड कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर इस वक्त जो रैम इंस्टॉल्ड हैं वो है 16 GB की, उसको भी आप बहुत ईजीली 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका कॉम्पोनेंट है वो है इसका ग्राफिक कार्ड। इसका ग्राफिक कार्ड है NVIDIA GeForce 3060 6GB का इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 15.6 इंचेस की का डिस्प्ले है और यहाँ टॉप पे आप देख सकते हो 720p का कैमरा है। इसके अलावा ये जो होल्स दिख रहे हैं ये हमारे माइक को और हमारे माइक को कंट्रोल करते हैं और सेंसर को कंट्रोल करते हैं जब हम लैपटॉप बंद कर देते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद जब हम लैपटॉप ऑन करते हैं तो सेंसर रीड करता है और लैपटॉप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ये एक सेंसर का होल होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा कट दिया हुआ है जो इसको डायमंड शेप कट होता है, ये बहुत इसको खूबसूरत लुक देता है। इसके अलावा अगर लिड की हम बात करें तो लिड को हम देख सकते हैं, लिड वन हैंड से ओपन हो रही है। मशीन बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके कीबोर्ड्स को अगर मैं प्रेस करूँ, कीज़ बहुत स्मूथ और इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, ट्रैक पैड जो है वो थोड़ा सा मुझे छोटा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैक पैड नहीं है लेकिन अच्छा है, ट्रैक पैड बहुत स्मूथ है।
और मशीन आपके सामने है, वाइट कलर की मशीन है। इसके अलावा जो अगर हम इसको देखें फ्रंट साइड से भी, इसकी लिड की अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँ तो बहुत मज़बूत बिल्ड क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसके वेंटिलेशन को कि इसका वेंट क्या है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एक बड़े बड़े होल्स के साथ हनीकॉम डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है। ये इसका वेंटिलेशन है। इसके अलावा आपको इसके कूलर्स भी दिख रहे होंगे, ये कॉपर कूलर्स इसमें लगे होते हैं जो कि सिर्फ MSI की मशीन्स में ही मुझे देखने को मिले हैं। ये इसका एयर इनफ्लो है, यहाँ से एयर इनटेक होता है। और इसके आउटफ्लो की अगर हम बात करें, इसके वेंट का अगर हम देखें तो इसका वेंट मुझे जो है वो बैक साइड पर ही दिख रहा है। ये टू साइड वेंट है, यहाँ पर इसका वेंटिलेशन है और यहाँ पर इसका वेंटिलेशन है। और ये बैक साइड से यहाँ पर इसके स्पीकर्स हैं। और जो है मशीन बहुत अच्छी है, ये मशीन जो है बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करती क्योंकि ग्राफिक कार्ड इसमें बहुत ज़्यादा हैवी लगा हुआ है। इसके अलावा इसकी बैटरी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसकी बैटरी मेंशन हुई हुई है वो बैटरी इसकी 3 सेल बैटरी है और 53.5 वॉट की इसकी बैटरी है जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर विंडोज़ 11 64 बिट का जो है वो विंडो 11 इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। आपको लाइसेंस विंडो मिलती है, कभी भी करप्ट हो आप उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हो। DDR5 16 GB की, सॉरी DDR4 16 GB के इसके अंदर रैम्स इंस्टॉल्ड हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं। IPS है, 144Hz है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर कीबोर्ड को अगर हम देखें, हमें फुल लेंथ कीबोर्ड मिलता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे नम पैड भी दिख रहा है और मैं देख रहा हूँ कि जो अल्फ़ाबेट कीज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत खुली खुली कीज़ हैं, जबकि नम पैड बहुत छोटा सा, बहुत खूबसूरत सा नम पैड आपको दिया मिलता है यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ। बहुत अच्छा लुक है इसका। और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें पोर्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। देखते हैं इसकी पोर्ट्स की कि इसके अंदर हमें कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं, पहले हम इसको राइट साइड से देखते हैं। राइट साइड पे जो सबसे पहला पोर्ट हमें मिलता है वो है RJ45 कनेक्टर, लैन पोर्ट मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर इसके बराबर में हमें HDMI केबल मिलता है, फिर हमें मिलता है टाइप सी कनेक्टर, एंड देन हमें यहाँ पे मिलता है एक 3.2 का USB कनेक्टर, एंड देन कॉम्बो जैक है। कॉम्बो जैक हमारे हेडफोन्स और माइक को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें दो USB पोर्ट्स मिलते हैं, एक 3.2 का और एक 3.0 का हमें USB पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पर भी इसका थोड़ा छोटा सा वेंटिलेशन दिया हुआ है, बैक साइड पे भी है और यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर जो पोर्ट है वो इसका चार्जिंग पोर्ट है जो हमारे लैपटॉप को चार्ज करता है। जी व्यूअर्स, तो जहाँ तक इस लैपटॉप के वेट की अगर मैं बात करूँ तो वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट वेट मशीन है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे लैपटॉप से जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं जिसके अंदर 3606 GB का कार्ड लगा होता है, वो बहुत हैवियर होते हैं, उनके वेट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है उन लैपटॉप्स के मुकाबले में, और स्लिम तो नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मशीन बल्कि भी नहीं है। और वेट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इसका वेट जो है वो अराउंड 2.8 to 3 kg का इसका वेट है। और सबसे खूबसूरत बात इसका कलर, इसका कलर बहुत अच्छा है, प्योर वाइट मशीन है, ब्लू कलर का बैकलिट कीबोर्ड है और 144Hz की 15.6 इंचेस की IPS डिस्प्ले की स्क्रीन है। गेमर्स के लिए बहुत अच्छी चॉइस है, गेमर्स जो है वो इस मॉडल के लिए स्पेशली हमें डिमांड करते हैं कि रमीज़ भाई हमें जो है वो MSI Sword की अनबॉक्सिंग दिखाएं, MSI Sword के जो नए मॉडल्स हैं वो मैं बताएं। मैं इसका मॉडल नंबर आपको बताना चाहूँगा, इसका मॉडल नंबर है MSI Sword 15 A12UE। तो व्यूअर्स इसको नोट कर लें, MSI Sword 15 A12UE। और इसकी मजीद स्पेसिफिकेशंस को आप MSI की वेबसाइट पे जाकर भी मजीद डिटेल में आप देख सकते हो। हो सकता है कि मुझसे कुछ मिस हो गया हो या मैं कुछ आपको मजीद डिटेल्स ना बता पाया हूँ, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो इस मॉडल का मॉडल नंबर से सर्च करके। और तो हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें अपने कमेंट से आगाह करें और हमें बताइए अगर हमारी कोई खामी है तो हम आपके कमेंट्स से पढ़ के उसको बेहतर कर सकते हैं। और हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।